नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट सैलड। खाने में हेल्दी, बहुत जल्दी बनने वाला। आइए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर सबसे पहले 500 ग्राम फुल फैट दूध, जिसको हम गर्म करने के लिए रख देंगे एक कढ़ाई में। हमारा दूध जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 4 चम्मच जितना चीनी। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसको फिर से एक उबाल आने देंगे। दूध हमारा उबल चुका है। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 कप में 1 चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर, और उसके अंदर अब हम डालेंगे 1/2 कप कच्चा दूध, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। दूध हमारा उबल चुका है, इसके अंदर हमने ये जो कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे, और इसको धीरे आंच पर खौलने के लिए छोड़ देंगे अच्छे से हिलाकर। खोल रहा है कस्टर्ड पाउडर डालकर। अब मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हो। जैसे मैंने लिया है काजू, टूटी फ्रूटी, वो हो गई किशमिश, फिर ये जो अंजीर है, पिस्ता है, बादाम है, और लिया है मैंने यहाँ पर खारे यानी कि जो खजूर होता है वो। इन सभी चीजों को हम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। दूध जो है हमारा अच्छे से उबल कर गाढ़ा हो चुका है। अब हमने जितने भी सूखे मेवे जो है लिए थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे, और सिर्फ 5 मिनट के लिए इनको अच्छे से हिलाकर खोलने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई फ्रूट जो है हमारे सारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा ड्राई फ्रूट सैलड जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम सर्व करेंगे इसको एक बर्तन में। ड्राई फ्रूट सैलड जो है हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसको सर्व किया है मैंने एक बर्तन में, और इसको हम गार्निश करेंगे फ्रूटी से, जो इसका स्वाद भी बढ़ाएगी और इसकी रंगत भी बढ़ाएगी। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है दोस्तों, फटाफट बनती है, स्वाद और सेहत का खजाना है, और डिजर्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए।